अब आइए बच्चों, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। अब इसका रासायनिक नाम क्या, रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र इसका होता है CaOCl2, या इसी को इस प्रकार से भी लिखते हैं CaOCl, इस प्रकार से भी लिखते हैं रासायनिक सूत्र। अब इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसको कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं, या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, या कैल्शियम क्लोरो हाइपो हाइपो क्लोराइड भी कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 या CaOCl होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को यहाँ तक? इसके बनाने की विधि, कैसे इसको बनाते हैं ये हम लोग जान लें। अब बनाने की विधि, अब कैसे यह बनता है इसको हम लोग जान लें। गौर से समझिएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमको बुझा हुआ चूना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा चूना, बुझा चूना। एक और नाम इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं। किसकी क्रिया कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं, तो हमको CaOCl2 अर्थात ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। CaOCl2 प्लस H2O, यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन करके तैयार हो गया। फिर गौर से समझिएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझे हुए चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं, तो हमको ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? बनाने की विधि जान गए। अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जान लें कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या उपयोग है। उपयोग में आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहला उपयोग तो यह जल को शुद्ध करने में होता है। क्या होता है? जल को शुद्ध करने में होता है, जल
को शुद्ध करने में, सबसे पहला उपयोग क्या होता है, जल को शुद्ध करने में, क्लियर हो गया। दूसरा उपयोग क्या होता है, कीटाणुनाशक के रूप में, किसके रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणु नाशक के रूप में, क्लियर हो गया। तीसरा, जीवाणु नाशक के रूप में, जीवाणु नाशक के रूप में। चौथा क्या उपयोग होता है भैया इसका, विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में, अर्थात रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में, विरंजन मीन्स क्या होता है, रंग का उड़ना, विरंजक यानी रंग को उड़ाने में। अगला उपयोग क्या होता है, चीनी उद्योग में होता है, किस में होता है, चीनी उद्योग में होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, चीनी उद्योग में भी होता है, क्लियर हो गया। फिर ऊन को सिकुड़ने से बचाने में छठा उपयोग क्या होता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, किस में होता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में भी यह होता है, क्लियर हो गया। सातवां उपयोग क्या होता है, आक्सीकारक के रूप में, आक्सीकारक के रूप में, सातवां उपयोग क्या होता है भैया, आक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यहां तक क्लियर हुआ, अच्छा फिर एक बार आप लोगों को और बताते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, पहला उपयोग जल को शुद्ध करने में, दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में, तीसरा जीवाणुनाशक के रूप में, पांचवा विरंजक चूर्ण के रूप में, विरंजक के रूप में, पांचवा चीनी उद्योग में, छठा ऊन को, जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, सातवां आक्सीकारक के रूप में, इतना हम लोग जानते हैं। अब आइए एक और नया हेडिंग इसमें हम लोग पढ़ ले, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक गुण, क्या पढ़ ले, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक गुण, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक गुण, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक गुण क्या होता है, यह जानना बड़ी जरूरी है क्योंकि यह परीक्षा में हर साल पूछता है। तो विरंजक गुण क्या होता है, विरंजन जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है, क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, जो वस्तुओं से क्रिया करके उसको रंगहीन बना देता है। जैसे विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। अब यह ब्लीचिंग पाउडर को जब हम जल में डालते हैं, कहाँ डालते हैं, जल में डालते हैं, तो यह नवजात ऑक्सीजन देता है, किस प्रकार से देता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस HClO
बनाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। बैलेंस कर ले, दो यहाँ हो गया, दो यहाँ, बैलेंस है, दो दो, फोर एच, फोर एच, दो दो, सही बैलेंस है, बन गया। इसका नाम हाइपोक्लोरस अम्ल है, हाइपोक्लोरस एसिड, एसिड कहिए या अम्ल कहिए, अम्ल है। यही हाइपोक्लोरस अम्ल टूटता है, एच सी एल ओ टूटता है, टूटता है तो क्या बनाता है? एच सी एल बनाता है और नवजात ऑक्सीजन बनाता है। यही नवजात ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन, और यही नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन रंगीन वस्तु से, रंगीन वस्तु से क्रिया करके रंगहीन वस्तु बना देती है, रंगहीन वस्तु बना देती है। फिर जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का विरंजन गुण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को जब हम जल में डालते हैं तो वह हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है, बनाती तो है, कैल्शियम क्लोराइड भी बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाती है, लेकिन जो इसमें हाइपोक्लोरस अम्ल अर्थात एच सी एल ओ बनता है, यही एच सी एल ओ फिर नवजात ऑक्सीजन देता है, और यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन वस्तु, चाहे वह कपड़ा हो या कागज़ हो, कोई भी चीज़ हो, रंगीन वस्तु के रूप में हम लेते हैं, और यह रंगीन वस्तुओं को किस में परिवर्तित कर देती है? रंगहीन वस्तु में। क्लियर हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं, कास्टिक सोडा। चौथा नंबर कास्टिक सोडा। अब इस कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसको रासायनिक सूत्र सबसे पहले जान लें, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र इसका होता है NaOH। रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आइए बनाने की विधि हम लोग जान लें कि कास्टिक सोडा कैसे बनता है। बनाने की विधि इसका जान लें, सोडियम क्लोराइड पर जल की क्रिया कराते हैं तो कास्टिक सोडा प्राप्त होता है, अर्थात कास्टिक सोडा बनाना है तो सोडियम क्लोराइड लेंगे, सोडियम क्लोराइड पर जल की क्रिया कराएंगे तो हमको कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाएगा। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड पर जल की क्रिया करा रहे हैं, H2O की क्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है NaOH+।
बाहर आपका क्या निकलेगा, Cl2 प्लस H2। देखिए कास्टिक सोडा हमारा बन गया, क्लियर हो रहा। अब इसको बैलेंस कर ले, 2Cl 2NaOH 2H2O बैलेंस हो गया। अब आइए कास्टिक सोडा का उपयोग, उपयोग कास्टिक सोडा का क्या क्या उपयोग है। तो इसका तो उपयोग भैया हम सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे पहला उपयोग तो हम इसका कपड़े साफ करने में, बर्तन साफ करने में तथा शरीर की सफाई में करते हैं। नंबर एक, कपड़ा बर्तन शरीर घर आदि की सफाई में। दूसरा क्या उपयोग है भैया इसका, दूसरा नाजुक वस्तुओं को खराब होने से बचाने में। किस क्या भैया, नाजुक वस्तुओं को खराब होने से बचाने में, नाजुक वस्तुओं को खराब होने से बचाने में। खराब होने से बचाने में करते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरा इसका उपयोग किस में करते हैं, नमक के निर्माण में। किस में करते हैं, नमक के निर्माण में। किस में करते हैं भैया, नमक के निर्माण में। चौथा उपयोग क्या होता है, क्लोरीन गैस के निर्माण में। चौथा किस में करते हैं, क्लोरीन गैस के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। चौथा उपयोग क्या करते हैं, साबुन के निर्माण में। किसके निर्माण में, साबुन के निर्माण में। पांचवा उपयोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग करते हैं, क्लियर हो गया। लास्ट उपयोग लिख ले, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फिर जरा बच्चों गौर से समझिएगा, कास्टिक सोडा का उपयोग किस रूप में करते हैं। नंबर एक, बर्तन कपड़ा बर्तन शरीर घर आदि की सफाई में, नाजुक वस्तुओं को खराब होने से बचाने में, नमक के निर्माण में, क्लोरीन गैस के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, पेट्रोलियम के शोधन में तथा अभिकर्मकों के रूप में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अगला पांचवा नंबर, साधारण नमक। साधारण नमक, अब साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, Na
सी एल। रासायनिक सूत्र क्या होता है? एन ए सी एल। अब इसका रासायनिक नाम जान लेते हैं। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। अब ये कैसे बनता है, बनाने की विधि जान लें हम लोग। बनाने की विधि, अब आइए बनाने की विधि हम जान लेते हैं। गौर से समझिएगा, ये बनता कैसे है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पर हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया से साधारण नमक प्राप्त होता है, अर्थात कास्टिक सोडा पर NaOH पर HCl की क्रिया कराएंगे। किस पर? NaOH कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड पर HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो हमको नमक प्राप्त हो जाएगा। NaCl प्लस H2O, देखिए नमक हमको प्राप्त हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब इसका हम उपयोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? उपयोग। इसका क्या उपयोग है? उपयोग, उपयोग में नंबर एक, सबसे पहले तो हम इसका उपयोग खाने के रूप में करते हैं। खाने के रूप में दूसरा उपयोग क्या करते हैं भैया? कास्टिक सोडा के निर्माण में करते हैं। किसके निर्माण में करते हैं? कास्टिक सोडा के निर्माण में। तीसरा भैया, तीसरा उपयोग हम क्या करते हैं? क्लोरीन गैस के निर्माण में। क्लोरीन गैस के निर्माण में खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में। चौथा, खाद्य पदार्थों की परिरक्षण में, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कोई खाद्य पदार्थ जैसे मान लीजिए अचार हो गया, सिरका हो गया, खटाई हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, मीट हो गया, उसको हम नमक के घोल में अगर रख देते हैं अर्थात, तो वह खराब नहीं होता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। अब हम छठा नंबर पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 into half H2O। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 into half H2O। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। अब रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? गौर से
सुनिएगा, कैल्शियम सल्फेट आधा है तो इसको हेमी पढ़ते हैं और H2O को हाइड्रेट पढ़ते हैं, अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम होता है। अब आइए बनाने की विधि हम लोग जान लें। बनाने की विधि, यह कैसे बनती है, गौर समझे। जिप्सम है, हम जिप्सम को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमको हेमी हाइड्रेट प्राप्त होता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है भैया, CaSO4 × 2H2O, यह जिप्सम का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, जिप्सम, इसको हम जिप्सम कहते हैं, जिप्सम का फार्मूला है, अर्थात हम जिप्सम को अब गर्म करेंगे। जिप्सम को गर्म करेंगे तो सबसे पहले CaSO4 लिख लेंगे, CaSO4 हमने लिख लिया, और ज़रा ध्यान दीजिएगा फार्मूला यही है, तो ये हम इतना उतार लेंगे, हाफ H2O बचा कितना, अब बचा यहाँ एक सही 1/2, अर्थात यहाँ 2 है, 2 में से आधा निकल गया तो 1.5 बचा, तो बचा कितना आपका, एक सही 1/2H2O, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए बन करके तैयार हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चों, यह आपका जिप्सम का फार्मूला है, जिप्सम को हम गर्म कर रहे हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको प्राप्त हो जा रहा है, क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होता है भैया, रासायनिक गुण इसी जिप्सम में लेकर के अगर H2O मिला देंगे तो फिर हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल हम डाल देंगे तो हमको जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। जैसे गौर से देखिए, CaSO4 × 1/2H2O हमने ले लिया, फिर इस पर जल की क्रिया करा रहे हैं, किसकी क्रिया करा रहे हैं, जल की, और ये जल कितना ले रहे हैं, एक सही 1/2H2O ले रहे हैं, तो हमको जिप्सम प्राप्त हो जा रहा है, CaSO4 × 2H2O प्राप्त हो जा रहा है जिप्सम, यही इसके रासायनिक गुण है। क्लियर हो रहा है बच्चों आप लोगों को। अब आइए इसका उपयोग पढ़ लेते हैं, उपयोग, इसका कौन कौन सा उपयोग है ये हम लोग पढ़ लें। नंबर एक, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, अर्थात प्लास्टर के रूप में, प्लास्टर के रूप में। दूसरा, दीवारों के गड्ढों को, दीवारें के गड्ढों को भरने में,
तीसरा मूर्तियां तथा खिलौने बनाने में। गौर से एक बार बच्चों समझिएगा, इसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों तथा हड्डियों को जोड़ने में अर्थात प्लास्टर के रूप में होता है। दूसरा दीवारों के गड्ढों को भरने में होता है। तीसरा मूर्तियां तथा खिलौनों को बनाने में होता है। इस तरह से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म हुआ। धन्यवाद।